हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। और इस चैनल पे आपको मिलेंगे बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीचर के साथ, ठीक है। चले तो आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर न्यूक्लियाई का एग्जाम्पलर क्वेश्चन। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलें तो शुरू करते हैं अपन। ध्यान देना आप लोग, बहुत अच्छे सवाल हैं यहां पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है वो। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आपका था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, He23 एंड He13 न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर। तुम देखो ध्यान से, यहां पर मास नंबर क्या है, सेम है ना, ठीक है। डू दे हैव द सेम बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी सेम होगा। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है वो अपन को देखना है यहां पर, है ना। तो मेरी पहली बात सुनो ध्यान से, तुम बताओ ये जो He23 है इसमें दो प्रोटॉन्स है ना, है ना, और इसमें एक प्रोटॉन है ना, ठीक है। अब तुम बताओ कि दो प्रोटॉन होगा तो उसमें रिपल्शन होगा प्रोटॉन के बीच में, है कि नहीं। लेकिन यहां पर कोई रिपल्शन नहीं होगा ना, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर रिपल्शन नहीं है, है ना, मतलब उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो नहीं है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी का कोई भी पार्ट उसमें यूज नहीं हुआ है कि नहीं। रिपल्शन को ओवरकम करने में कोई भी एनर्जी यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि 1He3 का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। मतलब मैंने कहा कि जहां पर रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है, उस केस में आपका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, है कि नहीं। क्योंकि बाइंडिंग, क्योंकि आपका एनर्जी रिपल्शन को ओवरकम करने में यूज नहीं हुआ है, सिर्फ बाइंड करने में यूज हुआ है आपका यहां पर, है कि नहीं, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपका रिपल्शन कम है या नहीं है तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे आंसर, ठीक है, ध्यान देना। सिंस इन 1He3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ओनली 1, therefore repulsion is missing, यहां पर repulsion नहीं है, therefore it has more binding energy, ठीक है। ये कहानी होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के, है ना। तो सिंपल अपन को शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आंसर करना है, ठीक है। तो इतना लिखोगे, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्या बोलता है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है वो, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिके रेट विथ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब अनडिकेड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हमें यहां पर ग्राफ बनाना है बिटवीन डिके रेट एंड अनडिकेड न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो ये आपका डिके रेट को शो कर रहा है dN by dt, और ये आपका नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई को शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा, है ना, उसका स्लोप कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये देखो आपने पढ़ा होगा माइनस डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर इसका मतलब डी एन बाय डी टी और n के बीच में ग्राफ बनाना है तो आप माइनस को ट्रांसफर करो
माइनस लैम्डा एन, है कि नहीं? अब बताओ dn बाय dt और n के बीच में ग्राफ बनाना है, तो ये आपका y का रोल कर रहा है, ये आपका x का रोल कर रहा है, तो आपको दिख रहा है ना कि यहां पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है कि नहीं? मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। और उसके बाद देखो आप ध्यान से, y इक्वल टू mx, तो यहां पर m जो है वो माइनस लैम्डा है, है कि नहीं? मतलब यहां पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है ना, तो स्ट्रेट लाइन में ठीक है आपका नेगेटिव स्लोप, ठीक है? तो आप ये बताओ यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाएंगे लाइक दिस ना, है कि नहीं? ठीक है, तो dn बाय dt मुझे डीके रेट को शो करना है यहां पर, है ना? तो ग्राफ बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और आप देख सकते हैं यहां पर नेगेटिव स्लोप होगा ना, है कि नहीं? ठीक है, और यहां पर आपका ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो सिंपल, अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप ये ग्राफ बना सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है देखना ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देना आप लोग। विच सैंपल ए और बी शोन इन फिगर दिस हैज शॉर्टर मीन लाइफ, ठीक है? किसका मीन लाइफ कम होगा, शॉर्टर होगा, ठीक है? तो पहले तो ये बताओ आप लोग, मीन लाइफ का जो फॉर्मूला होता है, मीन लाइफ इसको हम टाउ से शो करते हैं, ये होता है 1/ डिके कांस्टेंट, ठीक है? मीन लाइफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, है ना? तो बस यहां से ग्राफ से क्या देखना है अपन को, मालूम डिके कांस्टेंट किसका ज्यादा है, तो जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका मीन लाइफ कम होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है? और डिके कांस्टेंट देखा जाता है स्लोप से, और आप बताओ इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा होगा, है ना? तो आपको साफ दिख रहा है कि बी का स्लोप ज्यादा होगा, है कि नहीं? ठीक है, मतलब यहां पर जो बी है उसका जो डिके रेट है वो बहुत जल्दी कम हो रहा है एज कंपेयर टू ए, है ना? मतलब डिके कांस्टेंट जो बी का होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है? तो हम कहेंगे फ्रॉम ग्राफ हम कह सकते हैं कि डिके कांस्टेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन डिके कांस्टेंट ऑफ ए, है कि नहीं? और अब बताओ लैम्डा बी क्या है आपका, ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका टाउ क्या होगा, कम होगा, तो हम बोलेंगे देयरफॉर टाउ ऑफ बी इज लेस देन टाउ ऑफ ए, मतलब यहां पर किसका शॉर्टर मीन लाइफ होगा, बी का होगा, है कि नहीं? तो यहीं पर वैसे देख तो गया है लेकिन लिख देता हूं मैं, देयरफॉर बी हैव शॉर्टर मीन लाइफ, है कि नहीं? ये कहानी क्लियर आप लोग को, ये चीज, ठीक है? तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13। मतलब ग्राफ को देख करके आपको बस एनालाइज करना होगा, ठीक है, कि किसका आपका डिके कांस्टेंट ज्यादा, किसका डिके कांस्टेंट कम, और रिलेशन पता होना चाहिए मीन लाइफ का, ठीक है? तो आराम से काम हो जाएगा आपका। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, देखना ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एमिट रेडिएशन एंड वाई, एक्साइटेड न्यूक्लियस या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों में से कौन सा रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। तो यहां पर बेटा थोड़ा सा गलती है, है ना, एनसीईआरटी में यहां पर एक मिस्टेक है कि एमिट रेडिएशन में होना चाहिए एमिट गामा रेडिएशन, है ना, गामा रेडिएशन होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एमिट करता है ना रेडिएशन, तो लेकिन यहां पर किसकी बात होगी, गामा रेडिएशन की। तो इन दोनों में से कौन सा गामा रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ये पूछ रहा है वो। तो मेरी बात को सुनना, अगर कोई चीज गामा रेडिएशन एमिट करता है
तो उसकी एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है कि नहीं? लेकिन आपको यह पता होगा ना कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एनर्जी, रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करता है, है ना? जबकि गामा के लिए क्या चाहिए? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए एनर्जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन गामा रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि गामा के लिए क्या चाहिए? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैं कहूंगा यहां पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट गामा रेडिएशन because for gamma radiation energy should be in mega electron volt, but electron emit radiation इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये रीजन है आपका कि हां, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो गामा रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना ध्यान से आप लोग। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान देना आप लोग सवाल, आप लोग 15th क्वेश्चन में क्या कहता है वो, इन पेयर एनिहिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय ईच अदर टू प्रोड्यूस गामा रेडिएशन। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन तो पता ही है और पॉजिट्रॉन भी पता होगा, मैं आपको लेकिन फिर भी बता देता हूं। पॉजिट्रॉन जो है एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, है ना, लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, दोनों मिले और उसने फोटोन एमिट किया, गामा रेडिएशन का मतलब फोटोन एमिट किया, है कि नहीं? ठीक है, तो बोलता है हाउ इज द मोमेंटम कंजर्व्ड, तो इस एनिहिलेशन में मोमेंटम कंजर्व्ड कैसे हुआ, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। होता क्या है, ये आपका मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, -1e, ठीक है, जीरो मान लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव हुआ ऐसे, और ये आपका है पॉजिट्रॉन, ये मूव हुआ ऐसे, ठीक है, जैसे ये मूव हो करके जैसे ये मिलेंगे, मिलने के बाद जो फोटॉन्स एमिट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, मतलब जो गामा रेडिएशन एमिट होगा ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एमिट होगा, मतलब एनिहिलेशन के बाद फोटॉन्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, है कि नहीं, एनिहिलेशन के बाद। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, है कि नहीं, क्योंकि इनिशियल में भी वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मिलने के बाद जो उन्हें फोटोन एमिट किया वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, मतलब यहां पर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। तो सिंपल आपको यहां पर लिखना है कि आफ्टर इनिहिलेशन, है ना, द फोटॉन्स एमिटेड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं उस आंसर को, देखो ध्यान से, मैं कहूंगा आफ्टर इनिहिलेशन ठीक है, आफ्टर इनिहिलेशन यहां पर मैं क्या बोलूंगा, फोटॉन्स एमिटेड
मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. देयरफोर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. है कि नहीं? ठीक है. तो ये था आपका सिंपल सा इसका जवाब. ठीक है. तो जैसे ही वो मिलेंगे उसके बाद वो जो फोटॉन्स एमिट करेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए आपका मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है. ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15. तो यहां पर अपना खत्म होता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर. तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग को क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है. ठीक है. वहां पर आपको अपने क्लास सेलेक्ट करने हैं, है ना. सपोज आपने क्लास 12 सेलेक्ट किया. ठीक है. उसके बाद आपको वहां पर देखना है कि आपको एग्जाम्पलर सीरीज देखनी है कि एनसीईआरटी देखनी है, है ना. तो जो भी सेगमेंट आपको देखना है उस पर क्लिक करें आप. जैसे मान लो आपका ये फिजिक्स है, एग्जाम्पलर है, आपने यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक किया. जैसे क्लिक करोगे आपको ऐसे चैप्टर की लिस्ट दिख जाएगी आपको यहां पर. फिर जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उसको क्लिक करें और उसके बाद आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा. सिंपल. और एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है हिंदी मीडियम चैनल भी, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स के आपको हिंदी में आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, जो हिंदी मीडियम में हो, उनको इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक है, ताकि उनको बेनिफिट मिल पाए. एंड लास्ट मैं वही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए. थैंक यू.